हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर भी जुड़े हुए। देवेंद्र, हम इससे पहले की ऑप्शंस को समझें, लेकिन ये जो विरोधी दल कह रहा है इस वक्त इंडिया अलायंस की बैठक बस सबसे चंद मिनटों में शुरू होने वाली है, लेकिन पहले से एक राय जो आने लगी है विरोधी दलों की, वो ये कह रहे हैं असंवैधानिक है। तो असंवैधानिक तो कुछ भी नहीं है, इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा और उन ऑप्शंस को लेकर एक कंसेंसस बनाना होगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कोई भी कदम आगे बढ़ाए विपक्षी दल के तौर पे, लाजमी है कि जो अपोजिशन के जो प्रमुख दल हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी की बात कर लें, TMC की बात कर लें, समाजवादी पार्टी की बात कर लें, उद्धव ठाकरे की बात कर लें, ये लोग विरोध करेंगे ही करेंगे और ये सरकार को भी बखूबी मालूम है। रह गई बात कि संविधान को लेके, तो आप समझ सकती हैं कि विपक्ष का एक सबसे बड़ा नैरेटिव वो ये गढ़ने की कोशिश करता है, जो प्रमुख नैरेटिव गढ़ता है उसमें एक ये कि नरेंद्र मोदी जो हैं, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो संविधान को ख़त्म कर देगी। विपक्षी नेताओं के आप तमाम बयान में ये देखेंगे कि संविधान को खतरा है, जबकि दूसरी तरफ देखें कि स्थिति क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कह रहे हैं लगातार, आज से नहीं कह रहे हैं, पिछले 7-8 सालों से लगातार इस बात को कह रहे हैं, 2014 में दिल्ली आने के बाद से ही लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से विचार करना चाहिए। लोकसभा में भी उन्होंने इस बात को कहा है, सरकार के कानून मंत्री ने भी इस बात को कहा है, लिखित के जवाब में भी उन्होंने लोकसभा को यह बताया था कि कमीशन ने जो जिन जिन चीज़ों पर विचार किया उसमें क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है। ये सारी चीज़ें होते रही है और कोशिश यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि इस पर एक समिति बना के आगे बढ़ा जाए। इस वक्त पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रावत जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। देखिए, वन इलेक्शन, चलिए ठीक है ठीक है, रावत जी मैं आपके पास आऊं, उससे पहले देवेंद्र आप अपनी बात पूरी कर लें। या तो मैं वही कह रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कोशिश है कि इस पर सहमति बने और उस सहमति की दिशा में ये कदम उठाया गया है कि अपोलिटिकल व्यक्ति यानी कि पूर्व राष्ट्रपति को इसकी कमान दी गई है और उस समुदाय से आने वाली, ये बहुत दिलचस्प है कि उसी समुदाय से आते हैं जिसपे बाबा साहब जिस समुदाय से आते हैं, तो वहाँ पर एक समझा जा सकता है कि एक अनुभवी व्यक्ति राज्यपाल रहे हैं, कानून की पढ़ाई उन्होंने की है, देश के राष्ट्रपति रहे हैं, इतना लंबा कैरियर रहा है। आप विरोधी दलों की बात कर रहे हैं देवेंद्र, देखिए एक तस्वीर इस वक्त हयात होटल से भी आने लगी है, सोनिया गांधी दिखाई दे रही हैं, राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, उद्धव ठाकरे पहुंचे अंदर, ममता बनर्जी अभी अभी हमारे सामने यहां पर होटल के अंदर जाती हुई नजर आई और सभी के चेहरे पर कॉन्फिडेंस तो बहुत दिखाई दे रहा है कि इंडिया अलायंस मजबूत है। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो अपदस्थ कर सकते हैं, सरकार को गिराने की क्षमता ये 28 सियासी दल रखते हैं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस जो कैमरे के सामने दिखाई दे रहा है, क्या वो विद इन द मीटिंग भी दिखाई देगा? क्योंकि अगर हम ये कहें कि सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की जो थ्योरी अब सामने रख दी है, एक मंशा सामने रख दी है, स्पेशल सेशन बुला लिया गया है, इसके बाद अब विचलित तो ये सियासी दल भी हो रहे होंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भले ही वो कैमरे के सामने ये कहें कि ये जल्दबाजी में लिया जा रहा फैसला है, भले ही विपक्षी दल ये कहें कि सरकार घबरा गई है, प्रधानमंत्री मोदी विपक्षी एका से घबरा गए हैं, लेकिन एक बात तय है कि महत्वपूर्ण चर्चा इससे जुड़ी हुई जरूर होगी। विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ी हुई है। विजय लक्ष्मी, आज इंडिया अलायंस 2024 में सीट शेयरिंग कैसे करेगा, इसको लेकर कोई रूल तय नहीं कर पाया है, कोई नीति तय नहीं कर पाया है और वन नेशन वन इलेक्शन जैसा एक बड़ा मुद्दा आ गया है सामने। बिल्कुल मीनाक्षी, आज के एजेंडे में वो सीट शेयरिंग वाला जो डिस्कशन था वो था प्रमुखता से और मुझे लगता है उस पर डिस्कशन भी होगा, लेकिन साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन पर भी डिस्कशन आज की मीटिंग में होगा। एक तो तकनीकी पहलू है वन नेशन वन इलेक्शन का और दूसरा पॉलिटिकल पहलू है। तो कई नेता जिनसे हमने बात की वो पूछ रहे थे या उनकी उनके दिमाग में इस तरह के क्वेश्चन हैं विपक्षी नेताओं के, अगर मान लीजिए बीच में आप वन नेशन वन इलेक्शन तो भारत में था 1967 तक, फिर 1968 और 69 में कुछ प्री मेच्योर डिसोल्यूशन हुए असेंबलीज के और फिर उसके बाद वो जो यूनिफॉर्मिटी थी चुनावों की वो डिस यूनिफॉर्मिटी में तब्दील हो गई। लेकिन अगर ऐसा ही होता है, क्योंकि कहीं पर सरकार गिर जाती है, अभी हमने पीछे देखा महाराष्ट्र में मैंडेट था बीच में सरकार गिर गई, मध्य प्रदेश में चुनावों में मैंडेट मिला लेकिन बीच में सरकार गिर गई, तो ऐसे में अगर ऐसा कुछ होता है या कहीं मतलब सरकार नेतृत्व बदल गया या अगर ऐसे में कहीं होता
होता है कि सरकार अल्पमत में आ जाती है, तो ऐसे में फिर वहां पर दोबारा से मिड टर्म पोल होते हैं या फिर तो ऐसे में क्या सिचुएशन होगी, क्या उसका प्रावधान होगा? क्योंकि फिर तो डिसयूनिफॉर्मिटी बार बार आती रहेगी, आप एक बार इलेक्शन करा देंगे लेकिन फिर प्री मेच्योर डिसोल्यूशन किस असेंबली का हो गया तो फिर वो असेंबली ड्यू में चलती रहेगी, तो वहां पर क्या प्रावधान होंगे, क्या प्रपोजल होंगे, ये तमाम चीजें जब हमने कमीशन की ओर से कुछ ऑप्शन सजेस्ट किए गए थे और इस वक्त देश की जनता के मन में भी यही सवाल है कि ये होगा कैसे, ये समझने के लिए हमारे साथ पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत जी जुड़ गए हैं। जनप्रतिनिधित्व जो कानून है उसमें संशोधन करना होगा, जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन करना होगा, लेकिन सर ये होगा कैसे? इस वक्त बहुत बड़ा कंफ्यूजन, देश की जनता ये समझना चाहती है कि वो भी चाहते हैं कि देश का पैसा डेवलपमेंटल वर्क्स में इस्तेमाल हो, लेकिन ये होगा कैसे? ये 2015 में इलेक्शन कमीशन से भारत सरकार ने पूछा था कि वन नेशन वन इलेक्शन कैसे पॉसिबल होगा और आपका इसमें क्या सुझाव है, क्या ये फिजिबल है? इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल अनइक्वेकली कहा था कि बिल्कुल फिजिबल है, सिर्फ इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स करने होंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कुछ अमेंडमेंट करने होंगे, कुछ अतिरिक्त ईवीएम वीवीपैट खरीदने के लिए बनवाने के लिए अतिरिक्त धनराशि देनी होगी और एक साथ चुनाव कराने के लिए जो मैन पावर लगता है स्पेशली सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स उसको बढ़ाना होगा। इसके अगर ये हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक साथ करा सकता है।